हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट फॉर स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो नई नोटिफिकेशन आई है, तो इसमें जो है उन्होंने 123 नई जो पोस्टें निकाली है फॉरेस्ट गार्ड की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि उनकी जो एग्जामिनेशन जो प्रोसेस रहेगी, डेट रहेगी और जो पोस्टें डिवाइड की गई है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो सर्कल वाइज जो पोस्टें डिवाइड की गई है, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और सर्कल वाइज पोस्टें देख सकते हैं। तो इसमें जो है 123 पोस्टें टोटल है डिफेंस सर्कल में डिवाइड की है। तो नेक्स्ट जो डेट देखते हैं फॉर्म फिलअप। जो फॉर्म फिलअप की डेट है वो 14 जनवरी 2019 से स्टार्ट है। तो ये आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से भर सकते हैं। बात शेड्यूल की करें तो आज नोटिफिकेशन आ चुकी है। जो एडवर्टाइजमेंट आएगी, प्रोसीजर और क्राइटेरिया जो सिलेक्शन के लिए रहेगा, तो वो 14 जनवरी तक आ जाएगा। तो फॉर्म फिलअप जो डेट रहेगी, तो आप 14 जनवरी से 15 फरवरी 2019 तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो ट्राइबल और डिफ़िकल्ट एरिया है, तो वहाँ के लिए आप जो है वो 27 फरवरी तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है डेट फॉर फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट की भी डेट दी गई है। तो इसकी डेट जो है वो 6 अप्रैल से 16 अप्रैल 2019 के बीच में जो है वो फिजिकल टेस्ट होंगे। तो इसके बाद जो रहता है वो रहता है रिटन टेस्ट की बात। तो रिटन टेस्ट जो रहेगा वो एक दिन में रहेगा, वो रहेगा 21 अप्रैल 2019 संडे के दिन। तो उस दिन रिटन टेस्ट रहेगा। तो उसके बाद जो बात करें, जो कंपाइलेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एंड डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट की बात करें, तो फाइनल रिजल्ट कब रहेगा? 11 मई 2019 तक। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।